अपने देश की रक्षा करने के लिए देश के जवान अलग अलग बॉर्डर पर ठंड काला हो, बारिश हो या फिर तपती धूप, आधे तापमान में भी जान की बाजी लगाकर लगातार देश की रक्षा करते हैं। जब देश के जवान कठिन परिस्थितियों में भी दुश्मन से लोहा लेते हैं, तब कहीं जाकर हम देशवासी चैन की नींद लेते हैं। आज भी हजारों लाखों ऐसे देश के जवान हैं जो अपने परिवार से कई महीने कई वर्षों तक मिल नहीं पाते। हम लोग तो जरूर अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार त्योहार मनाते हैं, लेकिन दुश्मनों के दांत खट्टे करके खड़े रहने वाले हमारे जवान फौजी त्योहार नहीं मना पाते। हाल ही में रक्षाबंधन त्योहार का आगाज हुआ है, रंग बिरंगी राखी की दुकानें सजी हुई हैं। देश के हर भाई बहन बड़े ही आनंद से ये त्योहार मनाते हैं। तो वहीं देश के कुछ ऐसे भी जवानों की बहनें हैं जो भाई के कलाई पर राखी बांधने के लिए आंखों में आंसू लेकर भाई का इंतजार करती देखी जाती है। ऐसी बहनों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने के लिए देश के बॉर्डर पर हम सब की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात उन जाबाज जवानों के लिए प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी प्रहार समाज जागृति संस्था की तरफ से राखीज फॉर सोल्जर के नाम से तकरीबन 2 लाख के आसपास राखियां भेजने का काम शुरू हो गया है। प्रहार समाज जागृति संस्था की ओर से शहर की बहनों ने और छोटे बच्चों ने जवानों की आरती उतार कर उनको तिलक वंदन करते हुए जवानों की कलाइयां पर राखी बांधी है। आणि राख्या पाठवण्याच्या मागचा उद्देश असा आहे सैनिकांना की सैनिक आपल्या देशाची रक्षा करतात, आपल्या सीमेची रक्षा करतात, आणि फक्त देश नाही तर आपण जे देशवासी आहेत ते सगळ्यांची ते रक्षा करतात। फक्त सीमेवर नाही पण कुठेही जेव्हा ढगफुटी होते किंवा पूर येतो तर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपले सैनिक हे पुढाकारांनी मदत करतात। लोकांना राशन पोहोचवणं ह्या सगळ्या गोष्टी सैनिक करतात। त्याच्यामुळे आपण सैनिकांना रक्षाबंधनच्या वेळेला राख्या पाठवून हे दर्शवतो की पूर्ण देश हा तुमच्याबरोबर आहे आणि तुम्ही आमची रक्षा करता, म्हणून तुम्ही आमच्यासाठी आमचे रक्षक आमचे भाऊ हे आहेत आणि त्याच्यामुळे आपण ह्या प्रेमाच्या भावानी आपण ह्या राख्या पाठवू। आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा शानदार नेक काम प्रहार समाज जागृति संस्था की ओर से किया जा रहा है। 2 लाख राखियों को नॉर्दर्न सेक्टर जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि जगहों पर सैनिकों के लिए भेजी गई है। ऐसा होता कि आजादी का अमृत महोत्सव है तो 75,000 राख्या पाठवायला, पण सगळ्यांकडून इतका छान प्रतिसाद मिळाला आहे की आपण जवळजवळ 2 लाखपेक्षा जास्ती आपण राख्या पाठवतो आणि ह्या राख्या फक्त म्हणजे सीमेवर नाही जाणार तर बाकी ठिकाणी पण आहेत, जिथे जिथे आपली भारतीय सेना आहे तिथे तिथे नॉर्दर्न सेक्टरला जाणार आहे, जम्मू काश्मीर, नॉर्थ ईस्टला जाणार आहे, जिथे नागालँड, अरुणाचल वगैरे तिथे जी आपली सेना आहे, इकडे ह्या बाजूला राजस्थान, पंजाब इथे पण जाणार आहे आणि दक्षिणेकडे पण जाणार आहे। तर आपल्या सगळ्या बाजूंच्या सगळीकडे जिथे जिथे सैनिक आहेत तिथे सगळीकडे आपण या राख्या पाठवणार आहे। राखी एक विश्वास का अनोखा बंधन है। राखी बहनों की रक्षा करने वाली एक ताकत है। राखी एकता, भाईचारा, देश प्रेम और संस्कृति का प्रतीक है। राखी जवानों के लिए एक उमंग, बहादुरी और देश की रक्षा करने के लिए हौसला अफजाई की एक शक्तिशाली बुनियाद है। राखी त्योहार की समस्त देशवासियों को BCN न्यूज परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। NBC News के लिए अखिलेश भरद्वाज के साथ संजय मीरे, ब्यूरो रिपोर्ट।